राजधानी में एक बड़ा तबका पूर्वांचल का रहता है जिसको हर साल छठ महापर्व का इंतजार होता है कि बस छठ आए और वो घर जा सके। लेकिन हर साल तस्वीरें कुछ ऐसी होती है जो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, प्लेटफॉर्म के भी बाहर हूँ। ये प्लेटफॉर्म या वेटिंग रूम भी नहीं है, लेकिन आप जरा हर तरफ मेरे भीड़ देखिए। ये वो लोग बैठे हैं जिनकी ट्रेन या तो घंटों डिले है, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, या फिर वो जिनको अभी भी वेटिंग में रखा गया है। और इतनी ज्यादा भीड़ है कि ना ये प्लेटफॉर्म है, मैं दोबारा बताऊं, और ना ही कोई वेटिंग रूम। लोग उसके बाहर बैठे हुए हैं, लोग प्लेटफॉर्म के अंदर भी भरे हैं, वेटिंग रूम के भी अंदर भरे हैं। और यहाँ आप देखिए हर तरफ जो है आपको लोग नजर आएंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से सहायता बूथ यानी कि हेल्प डेस्क बनाया जरूर गया है, लेकिन जो लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं इस सहायता बूथ से, उनको बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिल रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी चलिए बातचीत करके समझते हैं कि उनकी ट्रेनें कितनी घंटी लेट है। सर इधर आ जाइए जरा से, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? मधुबनी जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। तो मुझे छठ के लिए घर जा रहे हैं? छठ के लिए जा रहे हैं। तो मैडम कई दिन के बाद तो टिकट मिला मुझे। कितना दिन के बाद? मैंने 10-15 दिन तो हो गए। वो टिकट लेने के बाद यहाँ हमने 6:30 बजे आया, मैंने 7:30 बजे का था। अब ये देख लो अभी तक 11:40 का बता रहे हैं, और इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। 5-6 घंटे ट्रेन लेट है। अभी देखो मैडम, इसमें भी क्या अभी तो सिचुएशन है कि 11:40 में चल जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। वो नहीं भी चले और लेट हो सकता। लेट हो सकती है। क्या सुविधा है यहाँ पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से ठीक है, लेकिन मैंने इनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई आश्वासन, सही ठोस कदम उठाना चाहिए। कन्फर्म टिकट हो गई आपकी? कन्फर्म ठीक है, यस तो कन्फर्म तो हो गया। लेकिन कितनी है ट्रेन? तो बहुत है मैडम, इससे पूछने की। अब ये देखो 4:30 घंटे हमारे को हो गए स्टेशन पे, यहाँ धक्के खाते, बताओ क्या करें। नहीं, कुछ और परिवार भी है। कहाँ से है सर आप? हम सीतामढ़ी। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। जहाँ कहाँ रहे हैं? सीतामढ़ी। हाँ जी। अभी अच्छा दिल्ली में रहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, कितने घंटे ट्रेन लेट है आपकी ट्रेन? वही 52-84 हर बिहार मुजफ्फरपुर स्पेशल। 6 घंटे के आसपास लेट? हाँ 6 घंटे के आसपास लेट। 6 घंटे बाद आएगी, इसके बारे में कुछ आता पता? 11:40 का टाइम दे रखा है, अब पता नहीं है कब चलेगी। अब आए आप लोग यहाँ? यहाँ पर 7:45 में पहुँचे हूँ। 7 बजे के आसपास पहुँचे हैं। अच्छा, टिकट कंफर्म मिल गई परिवार? टिकट हमारा कंफर्म है। कितना दिन पहले लिया था? 20 दिन पहले लिए थे। 20 दिन पहले में? और भीड़ कितनी है? भीड़ तो है काफी है। अंदर प्लेटफॉर्म का क्या हाल है? अंदर हम अभी नहीं गए हैं। अभी इधर नहीं अभी। अच्छा, चलिए इधर भी आपको युवा नजर आएंगे जो घर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि उनको घर जाने का मौका मिले। कहाँ से है सर आप? मैं पटना से। कहाँ रहे हैं? पटना ही जा रहा हूँ। पटना ही जा रहे हैं? ऐसे दिल्ली में रहते हैं ना? गाजियाबाद। गाजियाबाद में रहते हैं। छठ के लिए घर जाना हो रहा है, तो टिकट मिल गई? नहीं मिली टिकट अब तक? टिकट भी नहीं मिली है? कल रहते रहते मतलब कि कंफर्म होते होते वेटिंग में रह गया। अच्छा, और आज का क्या कहानी है? आज देख रहे हैं, वही ट्रेन सर्च कर रहे हैं। अब तक टिकट का कोई अता पता नहीं है? ट्रेन का ही नहीं पता है। अब भीड़ की क्या कहानी है? भीड़ तो बहुत है, कल भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। टिकट जिनको नहीं मिल पा रही वो फिर घर कैसे जा रहे हैं? छठ में घर तो जाना है। या तो पैसे दे करके जा रहे हैं। पैसे दे के मतलब? जैसा फाइन दे करके। अच्छा, फाइन दे, या फिर जनरल से निकल रहे हैं लोग। अच्छा, जनरल में तो बहुत भीड़ होगी। बिल्कुल, ऐसे में लोग एडजस्ट कर करके जा रहे हैं। अब क्या करें? अच्छा, जाना तो भी आपको जाना तो है। देखिए ये बात जरूरी है, पूर्वांचलियों के लिए छठ में घर जाना तो है, फिर उनको फाइन देकर जाना पड़े या जनरल में भीड़ में घुस करके जाना पड़े। सर आप बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं आप? हाजीपुर जा रहे हैं। हाजीपुर जा रहे हैं किसके लिए? छठ पूजा के लिए। मिल गई टिकट? हाँ, टिकट बनाए हुए। कितने घंटे लेट है? 1.5 घंटा लेट है। तो आपकी तो फिर भी कम लेट है, लोग तो 8-8 घंटे से बैठे हैं। 9 बजे का गाड़ी 10:15 में है। 10:15 में आ जाएगी। चलिए इनकी ट्रेन तो फिर भी देखा जाए 2 घंटे लेट है, लेकिन ऐसे छोटे बच्चों को लेकर लोग घंटों घंटों के इंतजार में, आप देखिए आपको नजर आएगा। इधर आ जाइए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सहयोगी मेहरबान जी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा इधर, लोग बच्चों के साथ, इतने सामानों के साथ, इतने घंटों की वेटिंग में बैठे हुए हैं। कई कई घंटों की वेटिंग है। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली है, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। कल भी कंफर्म नहीं हुआ था, वो आज फिर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इतना सामान लेकर, छठ में घर जाना है और घर जाना है तो घर जाने का स्ट्रगल है। और हर साल इस वक्त यही तस्वीर होती है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल छठ के समय, दिवाली के समय ऐसी ही ट्रेन में खचाखच भीड़ होती है और लोग घर नहीं जा पाते। एक परिवार भी है, क्या नाम है सर आपका? इस तरफ नागेश्वर। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार। छठ के लिए जा रहे होंगे? अच्छा, कितना बड़ा पर्व है छठ बिहारियों के लिए, झारखंडियों के लिए?
बहुत बड़ा पर्व है। देखिए मैं भी झारखंड से, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व तो झारखंड छठ ही है। होली दशहरा तो बाद में आता है। हाँ हाँ। तो टिकट मिल गई? हाँ टिकट मिल गई। कितने घंटे लेट है आपकी ट्रेन? डेढ़ घंटे। डेढ़ घंटे ही लेट है, मतलब 10-15 आ जाएगी। और क्या हाल है? भीड़ भीड़ कितनी है वहाँ पर? भीड़ बहुत है। अंदर जाकर देख के आए हैं? नहीं गए। हाँ। यहाँ क्या सुविधा है आप लोगों के लिए? परिवार है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे? बढ़िया सुविधा है। क्या सुविधा है? टेंट उंट लगा हुआ है। टेंट लगा हुआ है, बाकी मदद मिल जा रही है पुलिस? हाँ। पुलिस ने इतना तो किया है कि टेंट लगा दिया है, उधर पीने के पानी की सुविधा है, हेल्थ डेस्क बनाया गया है। आपको कोई जानकारी मिले तो आप बातचीत कर सकते हैं। टिकट वगैरह या एटीएम वगैरह की भी सुविधा जो है, अगर किसी को पैसे निकालने हैं, कैश चाहिए तो ऐसे में वो भी जाकर निकाल सकते हैं। मतलब बेसिक जो ज़रूरत होती है उसका इंतज़ाम यहाँ पर पुलिस ने कर दिया। फिर भी अगर आप इधर जाएंगे देखेंगे हर तरफ आपको, मतलब जहाँ दूर तक आप इस वक्त हमारे स्क्रीन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से देखेंगे, आपको हर तरफ बस लोग ही लोग नजर आएंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो उनका टिकट कंफर्म हो जाए या तो उनको जो है वेट करना पड़ रहा है, कई घंटों का इंतज़ार है, ट्रेनें लेट हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? बिहार मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, छठ के लिए जा रहे होंगे? स्पेशल छठ के लिए। स्पेशल छठ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग बिहारी तो साल भर इंतजार करते हैं कि छठ में घर जा सके, है ना? बिल्कुल इंतजार करते हैं। और हर साल यही हाल होता है? हर साल होती है। पहले भी गए होंगे आप? हाँ, हर साल जाते हैं हम लोग। तो हाल ये जो दिख रहा है यहाँ पर, यही हाल? हाँ, भीड़ इतनी रहती है हर साल। टिकट मिल गई आपको? हम लोगों की तो 4 महीने पहले टिकट थी। 4 महीने पहले टिकट कराई थी? 20 दिन पहले। तो कंफर्म आपको? फिर हाँ, कंफर्म टिकट है। ट्रेन कितने लेट है? ट्रेन है 1 बजे बता रहा है अभी तो। अच्छा, तो वो सुबह वाली ट्रेन है? सुबह 8 बजे। 8 बजे हलवाई, 6 घंटे के आसपास वो भी लेट है। हाँ जी। कोई मदद मिल रही है आप लोग को यहाँ से? फिलहाल तो हम लोग अभी आए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए, किसी की 6 घंटे लेट, किसी की 5 घंटे लेट, और जिसकी सबसे कम लेट है वो 2.5 घंटे लेट है। ये हाल यहाँ पर आनंद विहार का है और यही हाल दिल्ली के अन्य रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का भी है। लोग स्लीपर में जा रहे हैं, लोग जनरल बोगी में जा रहे हैं, लोग थर्ड एसी में जा रहे हैं, सबका हाल ऐसे, लोग भरे पड़े हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ भी है कि लोग सहयोग करते हैं, जिनको टिकट कन्फर्म मिल गया है उनको तो मिल गया, जिनको नहीं मिला है या जो फाइन देकर या किसी और तरीके से जाते हैं, लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। हमने तस्वीरें देखी है कि कैसे एक एक बोगियों में लोग भर के जा रहे हैं ताकि एक दूसरे को मदद कर सके। छठ पर्व का इतना महत्व है कि लोग एक दूसरे के सहयोग में आ जाते हैं। फिलहाल सबको इंतजार है कि कब उनकी ट्रेन आए, कब वो घर पहुंचे, क्योंकि 2 दिन से छठ महापर्व की शुरुआत है, नहाए खाए के साथ ही शुरुआत है। तो ऐसे में इंतजार लोग कर रहे हैं कि बस घर पहुंचे और अपनों के साथ छठ मना सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।